हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ये ऑनलाइन अगर कोई भी चीज़ खरीदारी करना है अगर फ्लिपकार्ट से, तो आप देख सकते हैं कैसे खरीदारी करेंगे। तो मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ खरीदारी करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो आप इस तरीके से देखते हैं कि आ जाता है, ठीक है। आप खरीदारी कैसे करेंगे, कोई भी सामान जो है खरीदने हैं तो क्या करेंगे, कैसे खरीदेंगे, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जैसे आपको किसी भी चीज़ का खरीदारी करना है, मोबाइल खरीदना हो या कोई भी चीज़ खरीदना हो, तो मान लीजिए कि मैं मोबाइल पे जाता हूँ, मोबाइल खरीदना है तो मान लीजिए कि इसमें मोबाइल के ऑफर में जाएंगे। अब इस तरीका से सभी में क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे ऑनलाइन लाइट है, इस तरीके से हम कोई भी मोबाइल को एक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि आप इस मोबाइल को ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो किसी मोबाइल को लेते हैं, या देखिए कोई भी मोबाइल है, जैसे हम यहाँ पे ऑनर 99 लिए हैं, 9N। देखिए अभी पे 5,000 डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर 5,000 डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं क्या चाहिए, 10% डिस्काउंट चलेगा अगर HDFC का मतलब डेबिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे उसके बाद क्लिक करने के बाद स्किप क्यों कंटिन्यू बोल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे स्किप क्रिप्ट कंटिन्यू। जैसे मैं अपना एड्रेस इस तरीके से दिया हूँ, तो आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं कुछ अपना जो हो, तो मैं इस पे देख सकते हैं आप दो ऑफर भी अवेलेबल है कि 5,000 डिस्काउंट चल रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 10% आपका क्या होगा कि एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। इंस्टेंट मतलब आपको 10% और मिलता है, जैसे 11,000 का है तो आपको 1,000 और मतलब 1,100 रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा, तो 9,099 का मतलब 9,999 रुपया में आपको ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये प्राइस आपको मिलेगा, 5,000 डिस्काउंट है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ आप यहाँ जैसे खरीदना चाहेंगे, तो आपको देखिए कंटिन्यू पे जाइए। कंटिन्यू जब पे जाने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से आप देना चाहेंगे, पेमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए फ़ोन पे से करिए या नेट बैंकिंग से करिए या कोई भी चीज़ से करिए, जो भी करना है उस तरह से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, तो आप ऑनलाइन करने हैं तो आप इस तरह से कैश डिलीवरी भी करना चाहेंगे तो कैश डिलीवरी पे ऑनलाइन यहाँ पे बोल दिया है कि अनअवेलेबल, अभी यहाँ पे कैश डिलीवरी में नहीं है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग से डालिए, पे करिए या किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। तो आप मान लीजिए कि आप डेबिट कार्ड से ही करेंगे या फ़ोनपे से करेंगे, तो किसी भी तरीका से करिएगा। तो आप जैसे डेबिट कार्ड पे जाइएगा तो आपको अभी ऑफर चल रहा है, तो मान लीजिए कि HDFC के बैंक से करना है, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करिएगा कि आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि कार्ड नंबर उसका ये नंबर जो है ये आपको देना पड़ेगा कि मंथ की मतलब जितना तारीख है मंथ देना है और ईयर देना है, ठीक है। कार्ड के एक्सपायरी डेट जो होता है मंथ और ईयर होता है, और CCV नंबर होता है जो कार्ड के पीछे होता है, और यहाँ पे कार्ड के नंबर होते हैं जो है आपको 12 डिजिट या 16 डिजिट का होता है शायद, वैसा ही होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं कार्ड नंबर होगा, और यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर और यहाँ पे कार्ड का CCV नंबर। तो आप इस तरीके से डालने के बाद आप यहाँ पे करेंगे तो आपका देख सकते हैं कि आपका यानी कि जितना अमाउंट कटेगा वो आपको मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद आप उस मैसेज उस नंबर से रजिस्टर रहेगा जो अकाउंट से वही होता है, तो नंबर वो आप OTP आप इसमें डालेंगे, पुट करेंगे, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़ कि ये मोबाइल आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, तो आप ये दिए गए एड्रेस पे आपको मोबाइल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और भी एक्स्ट्रा कोई मदद चाहिए तो आप दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, तो आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।